आज मैं बेसन कांदे के भजिए बना रही हूँ। उसमें मैंने कांदा पहले डाला है, हरी मिर्ची, कोथमीर, बेसन और चावल का आटा क्रिस्पी होने के लिए। और अभी बाकी मसाले डाल रही हूँ। उसमें नमक डाल रही हूँ, नमक आप स्वाद अनुसार अपने हिसाब से डालिए। लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिरी, क्योंकि बारिश का मौसम है और सर्दी बुखार भी हो जाता है ना तला हुआ खाने से, तो काली मिरी अच्छा रहता है, कफ नहीं होता है काली मिरी से। और आपके पास अगर जीरा पाउडर है तो डालिए, अजवाइन अच्छा रहता है, और नाम की हल्दी। आज हमें है ना नाश्ते में कांदे के भजे के रैप खाने का बहुत मन है, इसलिए मैं कांदे के भजे बना रही हूँ और फिर बाद में आपको बताती हूँ मैं रैप कैसे बनाती हूँ। अभी मैं सब पूरा मिक्सचर मिक्स कर रही हूँ। इसमें मैंने एक चम्मच तेल भी डाला है, मौन। मैं हमेशा कोई भी भजे बनाती हूँ ना मौन डालती हूँ, क्योंकि मुझे सोडा पसंद नहीं है, आई अवॉइड पुटिंग सोडा। आप सूखी मेथी भी डाल सकते हैं, कसूरी मेथी, वो भी मैं अभी डालने वाली हूँ। अभी मैं थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल रही हूँ, ये भी पाचन के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये डीप फ्राई कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हो, ये आप चिल्ला भी बना सकते हो, ये बेटर से। अभी भजिए रेडी हो गए हैं और मैं रैप की तैयारी कर रही हूँ। ये मैंने पहले से रोटी बना के रखी थी और ये गव और ज्वार की रोटी है। मैं नॉर्मली गेहूं के आटा और ज्वार मिक्स करके रोटी बनाती हूँ, मैं मैदा हो सके अवॉइड करती हूँ। मैं रैप में अभी चटनी लगा रही हूँ, उसके ऊपर टमाटर की सॉस लगा रही हूँ। आपको चाहिए तो आप मेयोनेज़ भी खा सकते हो, मैं मेयोनेज़ नहीं डाल रही हूँ। इसमें मैं सलाद यूज़ कर रही हूँ, ये मिक्स सलाद है, जैसे 3 green capsicums है, मतलब येलो रेड एंड ग्रीन। उसमें कैरेट डाला है, लहसुन डाला है सौते करने में, और ये मैंने एक मिक्स वेजिटेबल बनाया है, वो मिक्स वेजिटेबल पनीर और सब है उसमें, ब्रोकली, पनीर, बेबी कॉर्न, ये सब है। और अभी मैं फिलिंग के लिए ये कांदे का पकोड़ा है ना वो डाल रही हूँ। कबाब के बदले आप ये पकोड़ा कांदे का भी डाल सकते हैं, इसकी भी फ्रैंकी या ये जो बोलते हैं ना रोटी बहुत अच्छी लगती है एंड ये हेल्दी भी है। एंड द रैप इज रेडी फॉर माय हस्बैंड। ये सारी फीलिंग्स देख के तो मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, इतना अच्छा रैप, मतलब एक रोटी पे चटनी का लेयर, सॉस का लेयर, उसमें पनीर की भाजी एंड देन उसके ऊपर कांदे के भजिए। डेफिनेटली किसका भी दिल खाने का तो ज़रूर होगा, लेट अस ट्राई। गुड, वेरी गुड। खास करके अंदर का जो कंटेंट्स है वो सब अच्छा है, मतलब आपके खुद के शरीर के लिए भी, गाजर है, बीट है, ये सब, और कैप्सिकम है, भाजी में पनीर है, वटाने हैं, इट इज़ रियली गुड, हेल्दी हेल्दी फूड।